हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जाने वाले हैं गोल्ड टेंपल में। और इससे पिछले बार गोल्ड टेंपल में क्लॉड को समसम ने अपने काले जादू के वश में कर लिया हुआ था, जिसके कारण से अब इन सभी इलीट्स का कोई लीडर ही नहीं है। और हमें लग रहा है कि अब हमें ही लीडर बनना पड़ेगा इन सभी का, क्योंकि हम लोग भी एक गोल्डन इलीट है और हमारे पास ये चीज है, गोल्डन इलीट की सूट है। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर जाना होगा और इससे बात करना होगा। ये है इलेक्ट्रिक इलीट, यानी इलेक्ट्रिक टाइप जिम लीडर, इसे बोला जा सकता है एक तरीके से। और हम लोग आ चुके हैं और समसम काला जादूगर है और सबको अपने वश में कर रहा है, तो हम लोगों को कुछ उपाय लगाना होगा। हम लोग तो अपना बचाव कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, क्योंकि हमारे पास गोल्डन इलीट जादू ही गोल्डन इलीट सूट है एक तरीके से। ओके, तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्लॉड जा चुका है अब समसम के दल में अपने, देख लेते हैं। ओके, तो ये बोल रहा है कि अब सिर्फ मैं ही इलीट टीम का लीडर बन सकता हूँ। ये बनना चाहता है, देखते हैं भाई। और तो यहाँ डार्क इलीट भी आ गई, ये सब इलीट आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं मेरे ख्याल से। अब हम लोग को ही अपना ताकत साबित कर इन सभी को करना। ओह, और ये बोल रहा है कि भाई मैं मजे ले रहा हूँ, अर्थ लीट भाई इन लोगों की बैटल का मजा ले रहा। ओह, इसका मतलब हम लोगों ने डैमेज खाया था हल्का हल्का। और इससे पिछले बार हमने इन सभी को इवॉल्व किया हुआ था, ये सभी थर्ड स्टेज इवोल्यूशन है जो कि काफ़ी तगड़े हैं एक तरीके से। तो इसका इस्तेमाल मैंने किया था और बोनस गेम में भी किया था। चलो, इससे शायद बैटल करना होगा। तो हमें चाहिए 60 लेवल के डायनामोस इलेक्ट्रिक टाइप और नॉन लेजेंडरी डायनामोन चूज करने होंगे। यार ये थोड़ा सा टफ हो सकता है। ओके, तो तीन हमारे पास नॉन लेजेंडरी आ चुके हैं 60 लेवल के, तो देख लेते हैं इसको हर। ओ भाई, इतने सारे रेज रूप साथ, ये भाई ये कमाल का लगता है। पीछे से ये ऑक जोल्टॉन काफी तगड़ा लगता है लुक इसका। और ये भी तो हल्का सा, इसका थर्ड स्टेज है, ये काफी तगड़ा। ओ नो, उन्होंने भी रिचार्ज कर लिया। यार कुछ तो गड़बड़ हो सकती है उनका, बस सारा रेज रूट वो लोग खत्म कर लेंगे तो उसके बाद तो भाई देख लेते हैं। हमारे भी नहीं, मार डाला भाई, मार डाला। चलो, नहीं। ओके, मैं हमारे पास कोई भी अटैक वाला हमला नहीं है, तो हम लोगों को यही करना होगा भाई, रिचार्ज कर लेते हैं। चलो, बच गया। अब उनकी खैर नहीं भाई, उनकी तो खैर नहीं। मेरे ख्याल से बॉर्जो डॉक्स संभाल लेगा हमारा, लेकिन चलो इसको भी देखो। ओ, इग्नोर कर दिया भाई। अरे ये तो, ये अनफेयर है भाई, अनफेयर। वो लोग फायर टाइप लेके आ रहे हैं भाई, इलेक्ट्रिक टाइप जिम लीडर होकर फायर टाइप चूज कर रहा है भाई, ये कितना बेईमान है यार। ओ भाई, ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगी यार। डिफेंस बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी, नहीं तो भाई ऐसे में जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है हमारे लिए। क्या कर दिया यार मैंने, डिफेंस बढ़ाकर भी रेज रूट। ठीक है, चलो मरेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है हम लोगों को। हील स्प्रे, अरे यार। ओके, चलो, ये है तो शायद, चलो बच जाएंगे, मुझे इतना उम्मीद है बच जाएंगे। चलो, बच गया। इसकी तो खैर नहीं, ऑक्जोल्टन को हरा दिया हमारा बॉर्जो डॉक्स ने। इसने थोड़ा सा चीटिंग कर लिया भाई, हमें सारे इलेक्ट्रिक टाइप और ये एक बीच में फायर टाइप लेकर आ गया था। तो ये बोल रहा है कि क्या मैं हार गया फिर भी, अब तो मैं इलीट टीम का लीडर बिल्कुल बनने लायक नहीं हुआ। हाँ भाई, इतने देर से समझाइए। ओ भाई, ये भी बोल रहा है, ये पॉपकॉर्न खाते खाते देख रहा है मेरे ख्याल से, मूवी की तरह एक तरीके से हम लोगों का जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि कौन बनेगा। करो, मतलब जो भी हो भाई, कौन बनेगा लीडर एक तरीके से। तो डॉम आ चुका है, जो कि हमेशा हम लोगों को मतलब डायरेक्शन देते हैं, दिशा देते हैं कि भाई किधर जाना है। जीडिक्स वाले स्टोरी में भी दिया था इन्होंने डायरेक्शन, और मैंने कंप्लीट नहीं किया, मैंने दोबारा कंप्लीट करना चाहता हूँ, लेकिन देखते हैं उस वाले लाइन पे भी हम लोग जाएंगे। और ये बोल रहा है कि ये इलीट्स तो कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ रहे हैं, और क्या ये बूढ़ा आदमी तुम लोगों की मदद नहीं कर सकता, हमसे कुछ सलाह ले लो। हाँ भाई, ये बहुत सलाह देते हैं यार, चलो इनसे थोड़ा सा सलाह ले लेते हैं, बस लड़ मत लियो यार हम सबसे। ओ, फायर एलिट समझदार निकला थोड़ा सा। तो ये बोल रहा है कि ठीक है डॉम, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा चलाक हो, तो क्या है तुम्हारा एडवाइस। फायर एलिट से ज़्यादा ही चलाक होगा भाई डॉम, क्योंकि इससे बहुत सारे रहस्यमय चीज़ों के बारे में पता है, और ये थोड़ा सा बुजुर्ग भी एक तरीके से। तो ओ, ये क्या बोल रहा भाई कि सबसे पहली बात तो ये है कि इलीट टीम को भाई कोई नए लीडर की ज़रूरत नहीं है, उन्हें एक साथ काम करने की ज़रूरत है। हाँ भाई, ये तो एकदम अच्छी बात बोली है डॉम ने, बिल्कुल सही बात बोली है। ये लोग ऐसे झगड़ रहे थे आपस में बस,
ओ तो ये बोल रहा है कि हाँ मुझे मानना पड़ेगा, हम लोग एक टीम की तरह बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, हमेशा एक दूसरे पर हंसते हैं और लड़ाई वगैरह करते हैं। ओ हो और बोल ओ इसने तो भाई डॉम ने थोड़ा सा अपना भी काम निकलवा लिया कि मतलब एलीट टीम को बोल रहा है कि ये तुम्हारा कर्तव्य है कि मतलब तुम समसम के काले जादू से छुटकारा पाने के लिए कोई चीज बनाओ। हाँ भाई ये भी बहुत अच्छा, हम लोगों का भी थोड़ा सा मदद हो जाएगा जिससे कि क्लॉड वगैरह भी छुटकारा पा सके और बोरिस भी को भी हम लोग आजाद कर सके और जितने भी गार्ड्स हैं समसम के काले जादू के अंदर सब निकल सके। भाई भाई हम लोग इसके बारे में बिल्कुल भूल गए थे यार, वो स्पेशल पॉइजन के बारे में, वो खास तरीके की जहर मतलब सिर्फ एक खास जगह पर ही हम लोग को मिल सकती है, वो हम लोगों को ढूंढना होगा जिससे कि समसम के काले जादू को हम लोग काट सके। ओके बहुत बेहतरीन। हम लोगों को पता है, शायद फायर लीड को नहीं पता है कि स्पेशल पॉइजन कहां पर हम लोगों को मिलेगा। ओ हो इसे हम लोगों को हराना होगा सबसे पहले, और जिसे नहीं पता है स्पेशल पॉइजन यहां पर था यार। कहां गया स्नेक, कहां पर था स्नेक, सारे के सारे चले गए भाई। यहां पर हम लोगों को स्नेक्स, बहुत सारे स्नेक्स मिले हुए थे, पॉइजनस स्नेक्स जिसके अंदर भाई वेनम था, और वही पॉइजन से हम लोग जहर से मतलब एंटीडॉट बना सकते हैं मेरे ख्याल से समसम के काले जादू का। मेरे ख्याल से डॉम के पास फायर टाइप था तो मेरे ख्याल से हम लोगों को वाटर टाइप एक लेजेंडरी चूज कर लेना चाहिए, और फिर एक फायर टाइप में ड्रक्सिगस को रख लेते हैं, और मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक टाइप में हम लोगों को एक रख लेना चाहिए अनुबोल्ट को, अनुबोल्ट ना, हाँ अनुबोल्ट को, क्योंकि इसकी अटैक और डिफेंस फुल है भाई। लेजेंडरी हम लोगों ने रख लिया, अब तो भाई हम लोग जीत ही गए यार। चलो ठीक है, इनके पास आइटम्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। ओ भाई रेज रूट हम लोग भूल ही गए थे, बार बार ये रेज हो जा रहे हैं यार। चलो हीलिंग रेन कर लेते हैं, सीखोगे। ओ नो 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 नो, मेरे ख्याल से फायर टाइप है। ओ ड्रक्सिगस का स्पेशल हमला, चल अब खत्म करते हैं भाई। ओ बहुत बेहतरीन था, हम लोगों ने सही डिसीजन लिया कि मतलब ड्रक्सिगस को ले आए थे, नहीं तो फिर सिर्फ वाटर टाइप को लेकर आते तो फिर दिक्कत हो सकती थी। इसके पास कॉम्बिनेशन है, वह अब ये नहीं बन सकता। ओके स्पेशल हमला नहीं करते हैं अभी, स्पेशल हमला को बचा के रखते हैं क्योंकि इसका ओ नो डार्क टाइप है यार, एक तरकीब है और भी ज्यादा डैमेज दे देते हैं इसको। ओ हाफ डैमेज, फायर टाइप होने के बावजूद भी इसने काफी तगड़ा डैमेज दिया भाई इसको, बोर कुडॉन को। गया भाई, जीत गए यार। लेजेंडरी के सामने भला ये सब टिक सकते हैं क्या, और इतने आइटम्स भी इस्तेमाल किया डॉम ने। ओ तो डॉम बोल रहा है कि याद करो जब फ्रेडरिक समसम के काले जादू के वश में था तब। ओ यार ये तो पुरानी बातें आ रही है, एक तरीके से फ्लैशबैक हम लोगों को दिखाया जा रहा है यहाँ पर। फ्रेडरिक ने एक खास तरीके का पॉइजन दिया हुआ था उन सभी स्नेक्स वाले डायनामोन को शायद, तो ये बोल रहा है कि ओ तो उस सभी स्नेक्स वाले डायनामोन्स के पास जितने भी है मेरे ख्याल से वो उसके पास एक खास तरीके के पॉइजन है जो कि समसम के काले जादू को काट सकता है। ओ तो बीच में ही बोल दिया इसने, तो डॉम बोल रहा है कि मुझे स्टोरी अपनी फिनिश करने दो। और जैसे ही फ्रेडरिक को सांप ने काटा था उसी समय मतलब वो मतलब ठीक हो गया था एकदम अच्छे तरीके से, काले जादू के वश में से निकल चुका था समसम के। ओ भाई अब पता चल चुका है हम लोगों को, वो पॉइजन ही ढूंढना पड़ेगा यार। ओके अर्थलीट भाई, अर्थलीट वापस से आ चुका है, ये बस कोई काम वगैरह तो करेगा नहीं, हम लोगों की मदद वगैरह तो करेगा नहीं। सांप वाले डायनामोन को लेकर आ जाए यार इसे, अच्छा और हमें दिख नहीं रहे यार स्नेक वाले डायनामोन। हाँ यार डार्क लीड बोल रही कि यार हम लोगों को पता नहीं कि वो कहाँ से मिलेंगे हम लोगों को पॉइजन, तो हम लोगों को एक ढूंढना पड़ेगा। ओ भाई फाइनली इतने वक्त बाद डायमंड लीड आ चुकी है जो कि बोरिस की डॉटर है यानी बेटी है, अब देखते हैं क्या होने वाला है। तो ये बोल रही कि मुझे पता है कि स्पेशल पॉइजन कहाँ पर मिलता है, और इसके डैड भी एक तरीके से समसम के काले जादू के बस में, इसलिए ये मदद भी कर रही है डायमंड लीड। ओ भाई ये फिर से फायर एलीट, ये सब तो भाई फायर एलीट और कॉलिन का तो याद ही होगा भाई, गोल्ड सिटी में ये लोगों ने क्या किया था इन लोगों ने। ओ तो डायमंड एलीट बोल रही कि मैं इसे बहुत लंबे वक्त तक ढूंढ रही थी अपने डैड को ठीक करने के लिए। ओ इसे पहले ही से पता था मेरे ख्याल से, और ये गोल्ड टेम्पल में छिपी हुई थी और इसने देखा कि समसम एक प्राचीन सुनहरे को रिवाइव कर रहा है। क्या मतलब कौन से प्राचीन सुनहरे को रिवाइव कर रहा है, मतलब डायनासोर वाले डायनामोन की ये बातें कर रही है या फिर किसके बारे में बात कर रही थी वो हमें नहीं पता, लेकिन
ओके ओ नो 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 इसके पास डायमंड वाले ही होने वाले थे, हम लोगों ने फायर को लेकर गलत कर दिया मेरे ख्याल से, लेकिन ड्रग से संभाल लेगा मेरे ख्याल से, थोड़ा बहुत तो भाई एडवांटेज में आ ही जाएगा, उसका स्पेशल हमला इतना खास है सिख है तो चलो ये लोग काफ़ी बेनिफिशियल हम लोगों के लिए है एक तरीके से। चलो इलेक्ट्रिक खरीद, अब ये गए ओ ओ सिख से ही जाएंगे और ड्रॉप को लाए, पॉइजन बाइट तो है ही, ड्रक्सिगस का स्पेशल हमला देख लेते हैं। ओ इनरेज होता है, यही एक ऐसा डायमंड टाइप डायनामोन है ड्रॉप कॉलिक्स जो कि इनरेज कर सकता है भाई, और सब कोई भी नहीं है, ना कि पॉइजन बाइट भी ये लोग नहीं जानते हैं। ओ डाइमोरिक्स, ओ भाई ये ऐसा दिखता है, और हम लोगों को यही मिलने वाला है बोनस केव में। मैंने अभी तक बोनस केव कंप्लीट नहीं किया इसलिए ये मेरे पास है नहीं तो मैं इसका इस्तेमाल करता यार। अब मुझे लगता है कि इसे कंप्लीट करके लेना ही पड़ेगा, और अगर आपने भाई ये ले चुका है तो बता देना, और लेना है आपको ये भी बता देना, और लोगे या नहीं ये भी बता देना यार, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये शॉप में भी आ सकता है, अगर नहीं आए तो मिस कर देंगे हम लोग बहुत कुछ, अगर बोनस केव में एक्सक्लूसिव हुआ तो फिर दिक्कत हो सकती है। और यार नहीं ये तो ताकतवर निकला यार, बस एक बार मैं ना मार दे यार। ओके बच गया, ड्रक्सिगस ने संभाल लिया यार। एक मिनट, समसम ने चिंता किया एक प्राचीन सुनहरे दो सर वाले डायनामोन को, दो सर वाले सांप वाले डायनामोन को। ओ भाई ये उससे जुड़ा हुआ हो सकता है मेरे ख्याल से। ओ और बोरिस जो कि डायमंड एलीट का डैड है भाई, बोरिस वही मतलब जो काले जादू के वश में है फिलहाल के लिए, तो वही फ्रेडरिक को दिया हुआ था मेरे ख्याल से पॉइजन निकाल कर जब वश में ये लोग थे, और फ्रेडरिक का प्लान ही था वो स्नेक वाला जिससे कि हम लोगों को डैमेज दे सके वो हम लोगों के डायनामोन को। ओ तो ये डर गया भाई कि पहले दो सर वाले सुनहरे सांप वाला डायनामोन कितना खतरनाक हो सकता है, अगर टाइटैनो वो वाला अगर डायनामोन हुआ तो वो बहुत भयानक हो सकता है। टाइटैनो वो बहुत भयानक हुआ करते थे पुराने वक्त में, पाए जाते थे, बहुत ज़्यादा बड़े होते थे साइज में। और दो सर से मुझे याद आया हमारे पास अभी सिर्फ एक ही दो सर वाला डायनामोन है, और वो भी ये है यार, ये है दो सर वाला, लेकिन ये स्नेक नहीं है। मेरा कहने का मतलब है ये दो सर वाला भयानक सा मतलब एक प्रेडेटर है मेरे ख्याल से। देखो भाई ये बहुत भयानक है, और अगर दो सर वाला गोल्डन टाइप स्नेक डायनामोन अगर आ गया तब तो मैं सबसे पहले पकड़ लूँगा इसे, और मेरे ख्याल से इसमें ही आएगा क्या, देखते हैं हम लोगों को। एक मिनट, ये बोली थी ये डायमंड एलीट बोली थी कि इसे यहाँ पर मतलब समसम ने इसे यहाँ पर रिवाइव किया था, यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा क्या? आई मीन मेरे ख्याल से दो सर वाला हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर भी मिल सकता है होते तो। अरे यार ये तो पिद्दी निकला, इसको दो बार में ख़त्म करते हैं। चलो अभी फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से नहीं आएगा, नहीं तो यहाँ पर शो हो जाता हम लोगों का 100% कंप्लीट है। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे दो सर वाले गोल्डन टाइप डायनामोन को पकड़ने के लिए। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाय।